हेलो दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इस व्रत को रखने से एसिडिटी, थकान, कमजोरी, सरदर्द की समस्या हो सकती है और आपके पेट में पल रहे बच्चे पर असर पड़ सकता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रखने की कुछ टिप्स दे रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी में भी करवा चौथ का व्रत रखने की सोच रही हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से राय लें, क्योंकि वो आपकी शारीरिक स्थिति के बारे में अच्छे से जानती है। उसके बाद अगर आप पूरी तरह स्वस्थ और फिट हैं, तो ही करवा चौथ का व्रत करें, वरना आपको व्रत के दौरान परेशानी हो सकती है। तो क्या करें कि आपको परेशानी नहीं हो और व्रत भी आराम से हो जाए? तो करवा चौथ के दिन सबसे पहले आप सुबह सरगी में अच्छी तरह से भोजन कर लें, ताकि आपको दिन भर ऊर्जा मिलती रहे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक और बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाएं, क्योंकि ये प्यास को बढ़ाते हैं। करवा चौथ के दिन में सो जाएं, क्योंकि आपके सोने से आपके शरीर को थकान नहीं होगी और प्यास भी नहीं लगेगी। ज्यादा से ज्यादा आराम करें। अगर आप प्रेगनेंसी में भी करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आराम करें और ज्यादा बोलने, चलने और कुछ भी करने से बचें, और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लें। आप देखेंगी आपका पूरा दिन यूं ही निकल गया और शाम हो गई। पूजा के बाद कुछ खाएं। करवा चौथ व्रत के नियमों के अनुसार चांद निकलने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। ऐसे में रात्रि के 9 बज जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो पूजा करके और कहानी सुनकर आप चाहें तो कुछ खा पी सकती हैं। घबराए नहीं, खाली पेट होने के कारण व्रत के दौरान आपको सिरदर्द, एसिडिटी, उल्टी, चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती है, पर ऐसे में घबराए नहीं। जितना हो सके उस दिन आराम करें, इससे आपके शरीर को थकावट नहीं होगी और आराम मिलेगा। दोस्तों, व्रत खोलते समय ध्यान रखें। जब रात को व्रत खोलते समय सादा पानी पीने की बजाय नारियल पानी पिए और एक साथ ज्यादा पानी पीने से बचें, या ज्यादा खाना खाने से भी बचें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, इससे आपका शरीर सही रहेगा। दोस्तों, भावनाओं में बहकर व्रत ना रखें। अगर आपको व्रत से नुकसान हो सकता है, तो व्रत करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए सब कुछ सोच समझ कर करें। मैं तो आपको यही कहूंगी कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें, जिनसे आप रेगुलर चेकअप करवा रही हैं, क्योंकि आपके शरीर को वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जिनको फॉलो करके आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।